आज हम लेकर आए हैं सेसफल वाले क्वेश्चन। सेसफल वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलते, लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं बार बार, एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए एसएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है आपका, आरआरबी हैदराबाद में आया हुआ क्वेश्चन भी है हमारे पास, आरआरबी भोपाल में आया हुआ क्वेश्चन भी है, एसएससी ग्रेजुएशन लेवल में जो 2009 में भी आया हुआ क्वेश्चन है हमारे पास, और साथ साथ आरआरबी कोलकाता का क्वेश्चन भी है, और यहाँ पर आरआरबी 2016 का क्वेश्चन भी है। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर रेलवे और एसएससी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिट वाले क्वेश्चन है, और बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला इन क्वेश्चनों में, बड़ी आसान है। आपने अगर ये वीडियो देख ली तो इस टाइप का क्वेश्चन तो ख़त्म, मतलब वो तो बिल्कुल जो है आप छोड़ के नहीं आने वाले किसी भी हालत में। किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेष बचता है, तो उस संख्या को 29 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा? तो शेष को ही भाग करना, बस 63 को ही भाग कर दो भैया 29 से, 29 दूनी 58, कितना बचा? 5। यही उत्तर है भाई, यही उत्तर है, और 5 किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन में है, ठीक है, यह उत्तर बन गया आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लो, बिल्कुल सेम है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, और इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा भाई मैं आज, ठीक है, उसे आपको बताकर ही जाना पड़ेगा, उसे बताकर ही जाना पड़ेगा। क्या है? किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 29 बचता है, यदि उस संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? 56 से भाग करने पर 29 बचता है, तो उसी संख्या को 8 से भाग दे दो भाई, तो 8 3 24 कितना बचा भाई? 5, और यही तो उत्तर है। एक बार फिर 5 उत्तर, 5 किस ऑप्शन में? इस बार ए ऑप्शन में, तो इसका ये ऑप्शन सही, ठीक है जी। अब थोड़ा सा करते हैं चेंज, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। दोनों क्वेश्चनों की अगर बात करें तो आपने देखा है कि पहला क्वेश्चन तो एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन था, और दूसरा भी एसएससी में ही आया हुआ क्वेश्चन था, लेकिन तीसरा क्वेश्चन रेलवे वालों के लिए आ गया भाई, रेलवे हैदराबाद में आया हुआ क्वेश्चन, एएसएम का क्वेश्चन था, 2005 में आया था। किसी संख्या को 4 और 7 से उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर का मतलब होता है लगातार भाग देने पर 2 और 1 बचता है, तो उसी संख्या को 28 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा? देखो 4 और 7 से अगर भाग दे रहे हैं हम किसी संख्या को, तो बच रहा है भाई 2 और 1। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर भागफल ने दिया, समस्या कुछ नहीं है, यो तो उसने काम आसान करा, अगर भागफल ने दिया मर्जी आप कुछ ही रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, 0 रख लो, सभी से आंसर आना, सेम ही आंसर आना, संख्या निकालनी पड़ेगी। अच्छा जिस यहाँ पर सबसे पहले हम रख के देखते हैं 1, क्यों भाई? जिसका मालिक कोई नहीं है उसका मालिक है, सबका मालिक है, तो 1 हमने ये लिया भागफल, ये है शेषफल, ठीक है, ये है भाजक, भाज्य हम निकालेंगे, तो 7 एकम 7 और 1 8, इसका मतलब संख्या ही 8 थी, अगर हम 7 से भाग कर रहे हैं तो भागफल भी 1 और शेषफल भी 1 आ रहा, अगर 8 से भाग कर रहे हैं तो 8 चौक 32 और 2 34, मतलब संख्या थी वो 34। अब किससे भाग करने को कहा इसने? इसने भाग करने को कहा था भाई 28 से, तो 28 से भाग करके देखो क्या शेष बच रहा भाई 34 को, तो 28 एकम 28 कितना बचा? ये बच गया 6, तो 6 उत्तर आ गया वैसे तो इसका, बी ऑप्शन। लेकिन मैंने कहा था मैं इसे करके दिखाऊंगा, अगर आपने गलती से 0 भी मान लिया भागफल, भागफल 0 भी मान लिया तो सबसे आसान काम होगा ये, अगर आपने 0 मान लिया, कैसे भाई? 7 0 0 और 1 जोड़ देगा तो 1 आ जाएगा, 4 एकम 4 और 2 6, अगर आप यहाँ पर 0 मानते हैं, और मैं कहता हूँ कि आप यहाँ भागफल 0 मानो भाई, मैं कहता हूँ कि 0 मानो, क्योंकि जैसे ही 0 मानोगे जो भी संख्या है वो आंसर बनेगा आपका। अब 6 को भाग करना 28 से, तो क्या मानने चला पाओगे? नहीं, तो शेष कितना बचेगा? वही संख्या, मतलब 6। तो अगर 0 मानोगे तो काम आसान है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है आपके साथ। ये इस तरह से करना है क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा भाई? किसी संख्या को 3 से भाग देने पर 1 शेष आता है, जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाए तो शेष फल 1 आता है, यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होगा? एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन, इससे पहले रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन, बिल्कुल दोनों सेम क्वेश्चन है। क्या कहा? 3 से भाग दे रहे हैं तो भाग शेष फल आ रहा है 1, और भागफल को 2 से भाग दे रहे हैं तो भी शेष फल आ रहा है 1। उसके बाद उसने कहा तो हमें 6 से भाग देने पर क्या शेष आएगा? देखिए इस टाइप क्वेश्चन में एक बात आप नोट कर लें बिल्कुल, कि जो ट्रिक हम बता रहे हैं तब लग रही है जब इनका गुणनफल से ही भाग करा रहा होगा। देखो 3 दूनी 6 से भाग करा रहा,
और वहाँ उसमें इससे पहले क्वेश्चन को अगर आप देखो तो 4 से 28 से मार्क कराया था, कोई दिक्कत नहीं है, 0 मान लो, 2 0 0, मैंने कहा 0 मानोगे तो आसान रहेगा, तुरंत आंसर आएगा, 2 0 0 और 1 1, 3 एकम 3 और 1 4, तो उत्तर क्या आ गया भाई 4, 6 से भाग देंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, शेषफल बनेगा 4 और बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो भाई क्या कह रहा, जब किसी संख्या को 121 से भाग दिया जाता है तो शेष 25 आता है, तो यदि उसी संख्या को 11 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा, उसी संख्या को 11 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा भाई, 11 से 25 को भाग कर दो भाई, 11 दूनी 22, आप बताओ क्या शेष बच रहा, मैं क्यों बताऊं, आप ही बताओ, 3 शेष बच रहा और ये डी ऑप्शन है भाई, डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं भाई जो होगा क्वेश्चन नंबर छः क्या कह रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लो क्या कह रहा हो, जब किसी संख्या को 56 से भाग दें तो 29 शेष बचता है, तो यदि इस संख्या को 8 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा, क्वेश्चन नंबर 6 आज का रहेगा क्वेश्चन जिसका आपको आंसर कमेंट करना, और भाई अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट नहीं किया ना तो ये समझ लो कि आपने दिमाग नहीं रखा बिल्कुल भी 0% दिमाग का यूज हो रहा है इसमें, जिनमें दिमाग नहीं भी है ना वो भी कर देंगे इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, आपके सामने क्वेश्चन है और क्या है मैं पढ़ के बता देता हूँ, जिन्हें समझ में नहीं आया वो ऐसे भी समझ ले भाई, जब किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाए तो 29 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 8 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा, ये बता दो करना क्या है, 29 को 8 से भाग देना, उत्तर नहीं बताने का बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखें भाई क्या है, एक संख्या को क्रमशः 2, 3 और 7 से विभाजित करने पर 1, 1 और 6 शेष आता है, इस संख्या को 42 से भाग किया जाए तो शेष क्या आएगा, देखो भाई 2, 3 और 7 से भाग दिया तो जो शेषफल आया वो 1, 1 और 6 आया, ठीक है, और इसने 42 से भाग करवाया तो 7 21 2 42 बिल्कुल ठीक करवा रहा भाई, और ऐसे क्वेश्चन में मैंने भागफल क्या बता रखा 0, तो 7 0 0 और ये है 6, तो 0 और 6 6, 36 18 1 19, 19 2 38 और 1 39, ठीक है जी, इसका मतलब 42 से अगर मैं भाग करूँगा तो डायरेक्ट मेरा 39 ही उत्तर आ जाएगा 39 किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन सही बनेगा, देखा कितना फायदा है, अगर आप 0 भाग ले रहे हैं, अगर भागफल 0 ले रहे हैं तो कितना आसान और कितनी जल्दी से क्वेश्चन हो रहा है आप समझ सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए भाई एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाए तो शेष 21 बचता है, तो 19 से भाग दिया जाए, तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन तो आप सीख चुके हैं, आज का जो क्विज था क्वेश्चन था वो भी इसी पर आधारित था, तो 19 से कम 19 कितना बचा, 2 शेष है, और ये देखिए RRB में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में, आप इस बात को भी समझ लें, और ये ऑप्शन कौन सा बना भाई, बी ऑप्शन सही बना, तो इस टाइप से आपने देखा कई बार बहुत आसान क्वेश्चन भी रेलवे ने पूछे हैं, SSC ने पूछे हैं, लेकिन ये आसान भी कब है, जब आप इन्हें समझे हैं, अगर नहीं समझे ना तो भाई काला अक्सर भैंस बराबर है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।